हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ में एक न्यू क्लास को लेके। एंड आज आपका क्लास है क्लास नंबर 10। एंड जो भी स्टूडेंट्स आज इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कोपा ट्रेड के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही जो यहाँ पर सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम, आईटीआई कोपा का फाइनल एग्जाम या फिर किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड उनका जो टारगेट है वो आपका यहाँ पर कोपा का सिलेबस, तो आप इन वीडियोस को यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तक हम 9 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वहां पर आपका क्या है, सम थ्योरेटिकल पार्ट्स एंड एमसीक्यूज के साथ हम चीजों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो आपका नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट के ऊपर रहने वाला है। तो क्लास को यहाँ पर छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है वो आप सभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट को रीड करने जा रहे हो जहां पर आपके क्या है, कम से कम आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस आराम से आपके यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो राइट, यहाँ पर टॉपिक आपके बहुत सारे इंक्लूड है, लाइक आपका ओएसआई मॉडल है, आपका नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, आपका साथ ही साथ जो भी आपका केबलिंग है, टोपोलॉजीज है, वो सारे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, इस क्लास को यहाँ पर अटेंड कर रहे हो, तो राइट आप इजिली अपना जो भी ये वाला पार्ट है उसको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे। तो उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप से ऐड ऑन नहीं हुए एंड लिंक्डइन प्रोफाइल से अगर ऐड होना चाहते हो तो राइट लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के साथ में। यहाँ पर तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट का आपका यहाँ पर टॉपिक है, और इसी के साथ आपका ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है कोपा ट्रेड का, उसका लास्ट से पहले वाला आपका टॉपिक है। इसके बाद आपका वेब डिजाइनिंग के लिए आपका यहाँ पर टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, साथ ही आपके जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आपका यहाँ पर स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर बताइए, ओएसआई मॉडल का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? ओएसआई मॉडल का आपका जो फुल फॉर्म है वो आपका यहाँ पर क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देखिए ओएसआई मॉडल आपका यहाँ पर एक ऐसा मॉडल है जिससे आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आराम से आपके बनते हैं। तो इसको अगर आप अच्छे से रीड करते हो तो आपके यहाँ पर क्या है, 4 से 5 जो मार्क्स हैं वो आराम से आप यहाँ पर स्कोर कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर ओएसआई मॉडल सिर्फ अभी आपने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन सिर्फ नाम सुना है, यहाँ पर इसकी 7 लेयर्स होती हैं जो आपका इससे से काम करती। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए, अगर आपको लेयर्स याद हैं, उनके फंक्शंस अगर आपको याद हैं, साथ ही आपका एग्जांपल्स लाइक किस तरह से आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो बेसिकली आपके क्या है, लेयर से रिलेटेड ही बनते हैं। तो लेयर से रिलेटेड जब भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो उसमें अगर आप यहाँ पर इन सारी चीजों को लर्न कर लेते हो, एग्जांपल्स अगर आप ध्यान रख लेते हो, सो दैट आप इजीली यहाँ पर क्वेश्चंस कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्टार्टिंग की गई है वो आपका फिजिकल लेयर से स्टार्टिंग है, दैट्स मीन 1 2 3 4 5 6 7 लेयर्स हैं, और ये आपका सीक्वेंस होता है। देखिए ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस आपका डाउन टू अप होता है, यानी कि आपका डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड की कंडीशन में। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अप से डाउन की कंडीशन में आपकी फर्स्ट लेयर क्या होती है, तो यही सीक्वेंस आपका उल्टा हो जाएगा। जो अभी यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर आपकी क्या है, 7th है, वो आपकी 1 हो जाएगी, उसके बाद आपका 2 3 4। ठीक है, उसी तरह से ये आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 7th। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर लिख कर नहीं आता है तो आपको इसी वाले रूल से पढ़ना है। फिजिकल लेयर आपका फर्स्ट लेयर, डेटा लिंक आपका सेकंड, नेटवर्क आपका थर्ड, ट्रांसपोर्ट आपका फोर्थ। बट अगर लिख कर आता है कि डाउनवर्ड या अपवर्ड की कंडीशन आपको देते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको ग्रुप में ये चार्ट भेज दूंगी, आप वहां से भी इसे रीड कर सकते हो। चलिए इसको समझ लिया है आप लोगों ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन बेसिकली आपका है, विच लेयर इन ओएसआई मॉडल परफॉर्म नेटवर्क राउटिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल फंक्शन। यानी कि ओएसआई मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर है जो आपका नेटवर्किंग राउटिंग को, फ्लो कंट्रोल्स को एंड एरर कंट्रोल फंक्शंस को यहाँ पर क्या कर रही है, कंट्रोल करके रखती है या परफॉर्म करती। तो हमारे पास लेयर होती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, यहाँ पर बात ही की गई है आपका नेटवर्क से रिलेटेड, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लास्ट थ्री लेयर्स इन ओएसआई मॉडल। तो लास्ट थ्री लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट थ्री लेयर्स आपके यहाँ पर क्या है, देखिए लास्ट से पूछा है, अभी यहाँ पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की कंडीशन आपको नहीं प्रोवाइड की गई। सो डेट अगर हम लास्ट थ्री लेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन लेयर है या फिर आपका सेशन लेयर है। तो ये आपकी लास्ट थ्री लेयर्स हैं जो बेसिकली हमारा काम करती है एंड सिस्टम के साथ में। तो सिस्टम के साथ में अगर आपको काम करना है, ट्रैफिक को यहाँ पर कंट्रोल करना है आपका जो भी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेयर थ्री इन ओएसआई मॉडल। इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो लेयर थ्री है वो आपकी यहाँ पर कौन सी लेयर है। व्हाट इज द लेयर थ्री इन ओएसआई मॉडल। देखिए लेयर थ्री की बात की गई है ना, तो अपवर्ड डाउनवर्ड की कंडीशन आपको नहीं दी गई, अपवर्ड डाउनवर्ड की कंडीशन नहीं दी गई, तो आपको पता है फिजिकल से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो फिजिकल लेयर से अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं तो हमारी लास्ट जो थ्री लेयर्स में आता है वो आपका होता है नेटवर्क लेयर, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप वो चार्ट जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि लेयर्स के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आईपी का फुल फॉर्म आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर्स नेटवर्क। यहाँ पर ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दो कंप्यूटर नेटवर्क या फिर आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, उसके बीच में जो भी आपके पैकेट्स हैं उनको यहाँ पर क्या ट्रांसफर करने का काम करती। तो हमारे पास एक ही यहाँ पर क्या होती डिवाइस होती, दैट इज अवर राउटर। राउटर बेसिकली हमारा पैकेट्स को सेंड करने का काम करता है बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा राउटर। यहाँ पर देखिए डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए, तो ये कुछ मैंने चार्ट्स आपके लिए लगाए हैं, जैसे मॉडम आपका कैसे ऐसा दिखता है, एनआईसी आपका कैसे ऐसे होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम यहाँ पर बोलते हैं इसे, रिपीटर आपका कैसा होता है, हब किस तरह से आपको दिखता है, स्विच आप कैसे देख सकते हो, अगर आप किसी लैब में कभी विजिट किए हो तो वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपने स्विचेस को देखा होगा, राउटर आपका कैसे ऐसे दिखता है, ब्रिजेस कैसे होते हैं, आपका गेटवे क्या होता है। तो ये कुछ आपकी डिवाइसेस होती हैं अगर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछते हैं, सो दैट आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए सारी चीजें की कौन सी डिवाइस जो है वो किस तरह से आपको यहाँ पर शो होती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। देखिए टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म से आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और टीसीपी आपका एक प्रोटोकॉल है जो आपका क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, जो बेसिकली आपकी क्या है ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर, ठीक है, ओएसआई मॉडल की आपकी फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। वहां पर आपके दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, तो आपका टीसीपी एंड सेकेंड वन आपका होता है यूडीपी, ठीक है, ये डी है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच लेयर इन ओएसआई मॉडल प्रोवाइड ट्रांसफर द डेटा बिटवीन एंड यूजर। देखिए एंड यूजर के बीच में यहाँ पर क्या है डेटा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो हमारे पास क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो यहाँ पर एंड यूजर को डेटा प्रोवाइड करने का काम जो है वो आपका स्टार्ट कर देती। ऐसा क्यों, देखिए अभी आपने पढ़ा है कि लास्ट थ्री लेयर्स जो है वो एंड यूजर्स के साथ कनेक्टिविटी करती है, राइट। तो एंड यूजर से पहले कौन सी लेयर होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। सो डेट ट्रांसपोर्ट लेयर पहले डेटा ट्रांसफर करती है, आफ्टर डेट वो थ्री लेयर्स जो है आपकी वो यहाँ पर एंड यूजर्स के साथ कनेक्टिविटी करके सारा डेटा जो है वो आपका ट्रांसफर कर देती, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज द राउटर ऑपरेट, यानी कि ओएसआई मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर है जहां पर राउटर जो है वो आपका ऑपरेट करता है। तो देखिए राउटर के लिए अगर आपको समझना है तो उसके पहले आपको वो चार्ट देखना होगा। राउटर जो है वो हमारी लेयर थ्री पे काम करता है एंड अभी आपको कॉमेंट में ये बताना है कि हमारी जो लेयर थ्री है वो आपके यहाँ पर कौन सी लेयर है, ठीक है, लेयर थ्री हमारे यहाँ पर कौन सी लेयर है। अभी हम इसको डिस्कस भी किए हैं कि राउटर आपका कहाँ काम करता है, नेटवर्किंग पे। नेटवर्क्स राउटर्स के लिए आपका यूज होता है, ठीक है। तो आपकी कौन सी लेयर है, नेटवर्किंग लेयर जो है वो आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पर लेयर 3 जो है वो आपकी नेटवर्किंग लेयर है, ठीक है। नेटवर्किंग लेयर या फिर आप बोल सकते हो नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओएसआई के जितने भी क्वेश्चंस हैं लेयर से रिलेटेड, अगर आपने एक बार चार्ट समझ लिया, आप कोई भी क्वेश्चन हो बस चार्ट को अगर ध्यान में रखोगे तो आप इजिली आंसर्स कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है विच लेयर इज द लेयर 2 इन ओएसआई मॉडल। देखिए लेयर 2 की बात की गई है तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, सेशन लेयर है, फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी 4th नंबर पे आती, फिजिकल लेयर हमारे यहाँ पर क्या है कि 1st नंबर पे आती, एंड सेशन लेयर यहाँ पर आपकी क्या है, आपकी यहाँ पर 5th नंबर पे आती, ठीक है। तो आपके पास बची है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, 2nd नंबर पे आपकी एक्सप्लोर करती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2nd जो आपका सी वाला ऑप्शन है यानी कि 2nd लेयर वो आपका कौन सा हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच लेयर ऑफ ओएसआई नेटवर्क मॉडल डज रिपीटर वर्क, यानी कि ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे आपका जो रिपीटर है वो आपका यहाँ पर काम करता है। तो देखिए रिपीटर आपका काम करता है आपका फिजिकल लेयर पे, एंड फिजिकल लेयर हमारी क्या है यहाँ पर लेयर 1st है। सो रेट आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेयर 1st। ध्यान रखिएगा जो आपका राउटर है वो बेसिकली आपका कहाँ यूज होता है, लेयर 3rd पे यूज होता है जो कि हमारी नेटवर्किंग लेयर है, एंड लेयर 1st आपकी फिजिकल है जहां पर हमारा जो रिपीटर है वो आपका काम करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेयर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल ट्रांसफर डेटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटीज, यानी कि नेटवर्क एंटिटीज के बीच में अगर आपको यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर किस लेयर का यूज करते हैं। तो लेयर हम यूज करते हैं आपका लेयर 4, यानी कि आपका यहाँ पर क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपका यहाँ पर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच लेयर इज द लेयर 4 इन ओएसआई मॉडल। इतने सारे आपके लेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अभी हम जस्ट डिस्कस करके आए कि आपकी लेयर 4 कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी लेयर 4 है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT। देखिए EFT का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल फॉर वैन। तो वैन आपका किसका एग्जांपल है। तो देखिए वैन का अगर आपको एग्जांपल जानना है उससे पहले आपको जानना होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जितने भी स्टूडेंट्स को फुल फॉर्म पता है कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर आपका वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए वैन W से आपका वाइड होता है, A से आपका एरिया, और आपका N से होता है आपका नेटवर्क, यानी कि बड़ा एक एरिया कवरेज कर रहे हैं हम, और यहाँ पर आपका क्या है एक नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क आपका कहलाता है इथरनेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इथरनेट जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी 2 नेटवर्क सिस्टम, यानी कि अगर हम किसी भी 2 नेटवर्क्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस जगह पे कौन सा रेफरेंस टूल यूज करते हैं। अरे भैया अपना ओएसआई मॉडल, ठीक है। ओएसआई मॉडल का काम ही है ये 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में या 2 नेटवर्क सिस्टम्स के बीच में आपका कम्युनिकेशन कराना, यानी कि अगर कोई डेटा यहाँ से गया है तो यहाँ तक पहुंचाना और यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना, यही आपका ओएसआई मॉडल का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट 1 नेटवर्क विथ अनदर नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। देखिए डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात की गई है और यहाँ पर बात की गई है कि उस डिवाइस को बताइए जो यहाँ पर क्या करती है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करके यहाँ पर काम करवाती है। तो हमारे पास भैया गेटवे जो है वो हमारा इस काम को प्रोसीड करता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, गेटवे, ठीक है। गेटवे इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द कॉल द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस। देखिए डिफरेंट प्लेस पे बात की गई है और यहाँ पर बात किया गया इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आपका एक पिक्चर ऐड ऑन किया हुआ है मैंने, सो डेट आपको ये समझ में आया कि एक ऐसा कनेक्शन है। तो ये इंटरकनेक्टेड आपके कंप्यूटर सिस्टम है, सारे के सारे जो भी सिस्टम्स हैं वो आपका किसी केबल के थ्रू आपका कनेक्टेड है या फिर आपका वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है और डिफरेंट प्लेस पे आपका लोकेट करते हैं। तो उस जगह पे ऐसा जो नेटवर्क कहलाता है वो आपका होता है क्या, कंप्यूटर नेटवर्क। तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल्स नेटवर्क सेगमेंट्स अलोंग विद द डेटा लिंक लेयर। देखिए यहाँ पर डेटा लिंक लेयर के साथ में अगर हमें मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स को यहाँ पर एड ऑन करना है तो उसके लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो भैया अपने पास होती है एक ही डिवाइस, दैट इज अवर ब्रिज। ब्रिज जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है ब्रिज। विच टोपोलॉजी कंबाइंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी। तो देखिए स्टार टोपोलॉजी और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लीनियर बस का कॉम्बिनेशन तो वो हमारी होती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी ही आपकी एक ऐसी टोपोलॉजी है जो हमारा बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार पिक्चर देख लेंगे। कंप्यूटर टोपोलॉजी के जो टाइप्स हैं वो आपके यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। तो देखिये एक तो आपका होता है पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद आपका बस, एक आपका होता है रिंग जो बेसिकली रिंग के फॉर्म में आपका होता है, एक आपका होता है स्टार। स्टार में बेसिकली आपका क्या स्टार फॉर्म क्रिएट होता है, बीच में हम अब या स्विच का यूज करते हैं। उसके बाद जस्ट आपका एक नॉर्मल लाइन होता है। मैश आपका जो होता है वो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है आपका, और ये आपका होता है ट्री, यानी कि जो आपका क्या है लीनियर बस एंड आपका स्टार का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कुछ आपके नेटवर्किंग टोपोलॉजी के टाइप्स हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार फिगर से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि किसका डायग्राम किस ऐसे आप यहाँ पर क्रिएट करोगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिवाइस इज यूज्ड टू एम्पलीफाई और रीजनरेट डिजिटल सिग्नल्स रिसीव्ड बाय सेंडिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू ऑफ अ नेटवर्क इनटू अनदर। यानी कि नेटवर्क के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जो भी हम डिजिटल सिग्नल्स को भेजते हैं या उनसे जो डिजिटल सिग्नल्स को लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हम किस डिवाइस का यहाँ पर यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास होता है रिपीटर। ठीक है, तो रिपीटर जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एम्पलीफाइज या फिर रीजनरेट करने के लिए ही हम यहाँ पर करते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हो बूस्टर का जो काम है वो आपका यहाँ पर क्या है, रिपीटर करता है। रिपीटर का काम ही यही होता है, जैसे कि आप यहाँ पर लोकेटेड हो, ठीक है, यहाँ से कोई डेटा आपको मिल रहा है और इसके थ्रू आपका भेजा गया है, बट यहाँ आते आते तक क्या हो गया, उसकी स्पीड जो है वो आपकी क्या हो गई, स्लो हो गई। तो यहाँ से क्या है आपको, ये जैसे ही रिपीटर हम लगा देते हैं उसकी स्पीड जो है वो वापस से आपका बूस्टअप हो जाती है और आप तक क्या है कि सेम यूनिट के साथ में सेम जो भी आपका आ रहा है जिस भी फॉर्मेट में उसके अकॉर्डिंग आप तक डिलीवर होता है। इसलिए हम रिपीटर का यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर कंटेन्स इन कैटेगरी 5 UDP केबल। देखिए 5 UDP केबल की बात की गई है, यानी कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो कैट 5, ठीक है। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है उसको लिख लीजिए आप, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, यूडीपी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 आपके पेयर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर आपके पिक्चर्स है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और आपका यहाँ पर 4 पेयर्स आपके 4 होते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल अगर वायर की बात करते हैं तो ये टोटल आपकी 8 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल आपकी 8 होती है। बाकी पेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी क्या होती है, 4। ये आपके पास एक चार्ट और ऐड कर दिया मैंने, जहां से आप ये लर्न कर सकते हो कि अभी तक हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की कितनी कैटेगरीज है। ठीक है, डेटा रेट आपका कितना है, जैसे आपका कैट 1 के लिए 1 Mbps है और कैट 1 के लिए आप ध्यान रखिएगा कि कैट 1 में सिर्फ आपके पास एक ही पेयर होता है। ठीक है, एक पेयर होता है आपका केबल्स का या फिर वायर्स का, सिर्फ एक पेयर होता है। कैट 2 में आपका 4 Mbps है, 10 Mbps, 4 में आपका 16 Mbps, 5 जो है वो आपका 100 Mbps पे काम करता है। इसी में आपका एक और आता है 5E जो आपका 1 Gbps पे आपका काम करता है। 6 आपका 10 पर, 6 है आपका 10 सेम, आपका 7 के लिए हम 10 का ही यूज करते हैं। एंड सारी की सारी आपकी यहाँ पर क्या है, ट्विस्टेड पेयर है। ये यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो अगर देखिए अगर आपको समझना है तो सेम चीज आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। अभी अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो और ज्यादा यहाँ पर लेंथी हो जाएगा। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कैटेगरीज कौन सी हैं, डेटा रेट उनका यहाँ पर क्या है। ठीक है, और बाकी जो एप्लीकेशंस है उन्हें आप यहाँ पर खुद से रीड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड बाय कैटेगरी 5 यूडीपी केबल। अभी जस्ट मैंने आपको पिक्चर जो है वो शो किया है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 यूडीपी केबल का मैक्सिमम स्पीड कितना होता है आपका, ओके 100 Mbps होता है। अभी जस्ट हम डिस्कस करके आए हैं कि 100 Mbps जो है वो आपका 5 UDP 5 जो है Cat 5 आपका, उसके लिए आपका यहाँ पर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। देखिए लाइट वेव्स के फॉर्म में अगर आप बात करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। ठीक है, आप ऑप्टिकल फाइबर बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच डिवाइस इज इंस्टॉल्ड इन अ सब्सक्राइबर टेलीफोन लाइन टू अलाउ बोथ एडीएसआई एंड रेगुलर वॉइस सर्विसेज टू बी यूज्ड एट द सेम टाइम। यानी कि जो भी हम टेलीफोन सेवाओं पे या जो भी हमारी टेलीफोनिक सर्विसेज हैं अगर हम उन्हें यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो एक ही टाइम में या फिर एक टाइम में जो वन यूजर है उसकी ही आवाज आपकी यहाँ पर सुनाई दे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। क्योंकि देखिये क्या होता है कि जब हम यहाँ से बोलते हैं तब वहां पर उसको मतलब जो भी हमारा अदर कैंडिडेट है अदर एंड पे उसको वो वॉइस वहां पर क्या है सुनाई पड़ती है। तो उसके लिए हम बीच में एक फिल्टर का यूज करते हैं, दैट इज अवर माइक्रो फिल्टर। और यहाँ पर आपका क्या है, माइक्रो फिल्टर के थ्रू ही एक फीचर है आपका जिससे वन टाइम में वन आपका वॉइस जो है वो आपका यहाँ पर अलाउड होता है। तो माइक्रो फिल्टर जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। Which device modulate analog signal to encode digital information and demodulate courier signal to decode the transmitted information over the telephone network? सेम वही आपका कंडीशन है, टेलीफोन नेटवर्क पे हम काम कर रहे हैं और यहाँ से आपका क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को आपका यहाँ पर क्या है एनालॉग में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक डिवाइस का यूज करते हैं और वो डिवाइस हमारी होती है मॉडम। ठीक है, तो मॉडम आपका करेक्ट आंसर है। मॉडम का फुल फॉर्म ही होता है आपका मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। ठीक है, आप दोनों चीज बोल सकते हो, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर भी बोल सकते हो, डी मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर एक पिक्चर है आपके सामने जहाँ पर एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ठीक है, एक इंटरनेट है आपका, यहाँ से आपका कोई सिग्नल पास आउट हुआ, ये मॉडम हमने बीच में लगाया तो एनालॉग को उसने डिजिटल में कन्वर्ट किया। आफ्टर डेट यहाँ पर क्या है, राउटर के थ्रू वो सब जगह पे आपका क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या है, एनालॉग से हमने डिजिटल में बदला है और डिजिटल से एनालॉग में हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली मॉडम का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड 10BASE-T केबल। देखिए ये भी आपका एक टाइप का टेबल है और इसका स्पीड आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका स्पीड आपका होता है 10 Mbps जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, इसका स्पीड होता है 10 Mbps। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड इन 10BASE-FL केबल स्टैंडर्ड। देखिए किस टाइप की केबल का हम यूज करते हैं 10BASE-FL केबल्स को यहाँ पर बनाने के लिए, तो हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक का। अगर आपको आइडिया ना मिला हो तो यहाँ पर भी F यूज किया गया, इसका मतलब ही है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ 100BASE-TX केबल। अभी हमने 10BASE-TX केबल की बात की, अब यहाँ पर 100 BASE है तो 100 BASE के लिए भी हम सेम यूज करते हैं, 100 Mbps का हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर कैटेगरी 5 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यानी कि कैटेगरी 5 यूटीपी का स्टैंडर्ड कनेक्टर आपका क्या है, कनेक्टर का मतलब जो आपकी केबल होती है उसको जब हम अपने सिस्टम के साथ एड ऑन करते हैं तो वहां पर एक कनेक्टर का यूज करते हैं और वो आपका होता है RJ45। अगर आप कोपा ट्रेडिशमेंट से या फिर अगर आपने कभी भी यहाँ पर इथरनेट कनेक्टिविटी की है इंटरनेट के लिए तो आपने देखा होगा आपको एक केबल दिखता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है, वही आपका होता है कैटेगरी 5 UDP केबल। और जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं वो आपका होता है कनेक्टर, जो हमारे लैपटॉप पे भी आपको दिखता है RJ45 इथरनेट पोर्ट आप बोल सकते हो, उसमें हम कनेक्टर यूज करते हैं RJ45। ये आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है और ये आपके यहाँ पर क्या है आपके पिक्चर्स है सो डेट आप आइडेंटिफाई कर सको कि RJ45 जो है वो आपका दिखता कैसे, ये कनेक्टर बोलते हैं बेसिकली हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर्स आर देयर कैटेगरी 1 यूटीपी केबल्स। अभी मैंने आपको बताया था कैटेगरी 1 में आपका 1 पेयर्स होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है विच इज एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय लोकल ईमेल क्लाइंट्स टू रिसीव ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर ओवर अ टीसीपीआई कनेक्शन। तो देखिए ईमेल क्लाइंट्स को रिट्रीव करना है एक रिमोट सर्वर से, उसके लिए हम एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज करते हैं जो बेसिकली हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, और उस प्रोटोकॉल का नाम है आपका पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ईमेल में हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। अगर आपने कभी ध्यान से चेक किया हो तो कभी भी आप अगर ईमेल वगैरह साइन इन करते हो वहां पर POP 3 POP 5 इस ऐसे आपको देखने को मिलता है, तो वो आपका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आपका प्रोटोकॉल नेटवर्क। ठीक है, और ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट विच इज द स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर अ टीसीपी बेस्ड नेटवर्क, यानी कि, और यहाँ पर लिखा है सच एज द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से अगर आप किसी फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर अपलोडिंग करते हो उसमें भी हमारा एक प्रोटोकॉल यूज होता है, और वो प्रोटोकॉल आपका होता है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म आप नोट करते हुए चलिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड ऑन द इंटरनेट और लैन to provide a bidirectional interactive text oriented communication facility using a virtual terminal connection। देखिए एक चीज समझाती हूँ, जब भी अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस आते हैं लेंथी पर्पस वाले, वहां पर आपको ना कुछ की टर्म्स को ढूंढना होता है, यानी कि जिससे आपका आंसर जो है वो आपका यहाँ पर लोकेट हो सके। देखिए फाइल ट्रांसफर की बात नहीं की गई इसलिए FTP होगा नहीं, डेटाग्राम और पैकेट्स की बात नहीं की गई है वो भी आपका नहीं होगा, किसी ट्रांसमिशन की बात नहीं हो रही तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर बात हो रही है वर्चुअल टर्मिनल की, तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है टेलीनेट। टेलीनेट का काम ही होता है आपका वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन बनाना है यहाँ पर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बाय डायरेक्शनल इंटरेक्टिविटी आपका यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका टेलीनेट। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 230 इन नेटवर्किंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ राउटर। तो इसका आंसर आप सभी मुझे बताओगे कि राउटर का आपका यहाँ पर काम क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, जिसको भी इसका आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करेंगे कि आपका जो राउटर है उसका आपका फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि राउटर जो है वो OSI मॉडल की किस लेयर के लिए यहाँ पर काम करता है। तो ये आपका आज के लिए होमवर्क है और आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बाकी अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आए, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड क्लास आपको यहाँ पर यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो दैट आप यहाँ पर लेक्चर को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर। चैनल पे गए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, सो दैट चैनल को कर सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दीजिए हिट, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन एंड क्लासेस आपको लगातार मिलती रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।